गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपका चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा था और आपका चैप्टर जो थर्ड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको क्वेश्चंस बता दिए थे उसके और एग्जांपल भी बता दिए थे। आप लोगों की तरफ से क्वेरी थी, आपने एग्जांपल नंबर पूछा था 1.8। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये एग्जाम्पल है। देखिए क्या है एग्जाम्पल में, इसमें आपको ये पूछा है, दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागे जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। तो देखिए, दो गोले हैं, दोनों का द्रव्यमान 200 ग्राम है और दोनों एक उभयनिष्ठ बिंदु से लटके हुए हैं और डोरी कुचालक है, 40 सेंटीमीटर की है। इसके आगे देखिए क्या दिया है आपको प्रश्न में, दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं, तो दोनों पर आवेश है Q, इस पर भी Q है और इस पर भी Q है, तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। ये दूरी है 4। और आपको पूछा है इसने, प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, इसे बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान दें कि ये ओरिजिन मानते हुए आप ये मान कल्पना करें कि यहाँ कौन थीटा है, तो यहाँ पर भी कौन होता है थीटा। जब आप डोरी से द्रव्यमान को लटकाएंगे तो तनाव पी उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर भी तनाव आ जाएगा बच्चों पी, और इस तनाव के अगर आप घटक बनाना चाहें तो ये तो बनेगा टी कॉस थीटा और ये बनेगा टी साइन थीटा। इसी तरह से यहां भी यही होगा, ऊपर की तरफ तो बनेगा टी कॉस थीटा और इधर बनेगा टी साइन थीटा, नीचे की तरफ बल लगेगा एम। अब आगे ध्यान दें, चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि mg जो है वो t cos थीटा को बैलेंस कर रहा है और ये t sin थीटा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है k q1 q2 / r2। तो यहाँ q1 और q2 दोनों का ही मान q है, तो ये k q² / r² आ जाएगा f का मान। तो चित्रानुसार t cos थीटा बराबर तो आ गया mg और t sin थीटा बराबर आया k q² / r² समीकरण नंबर 2। प्रश्न में आपको पूछा है आवेश का मान, तो आवेश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में बार लगा देंगे समीकरण नंबर 1 का। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो जैसे ही आप भाग देंगे तो आएगा t sin थीटा / t cos थीटा / k q² / r² / mg। ठीक से t कैंसिल, sin थीटा / cos थीटा हो गया tan थीटा, बराबर आया k q² / mg r² समीकरण नंबर मान लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थीटा का जो मान है वो तो आपके पास है नहीं, और आपको ये पता है कि जो r है वो बहुत अल्प है, r का मान बहुत ही कम है। तो आप एक काम करें कि अगर अल्प कोण थीटा ले मान लिया जाए तो साइन थीटा और टेन थीटा लगभग हो जाएंगे यहाँ पे बराबर। तो देखिए यहां r का मान अति अल्प है, अतः थीटा का मान भी अल्प होगा। अल्प कोण की स्थिति में साइन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा टेन थीटा के,
जहां टेन थीटा आया है उसके जगह क्या मान सकते हैं आप साइन थीटा, और साइन थीटा होता है लाल बटे कटा से लंब बटा करंट। अब ध्यान दें कि यहां ट्राइंगल कौन सा लेना है। देखिए आप अगर यहां ट्राइंगल लेंगे तो नीचे वाली दूरी के तो आधी स्थिति आएगी और ये वाली दूरी आप एल मान लेंगे। तो देखिए मान लें कि ये तो हो गया आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, हमें पूरा आर माना है, और इस लंबाई को मैं मान लो एल, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया आपके सामने, और समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान तो आर बटा दो, कर्ण का मान हो गया एल, तो साइन थीटा बराबर आर बटा दो बटा एल, या साइन थीटा बराबर आर बटा वेल। समीकरण तीन से आर बटा टू एल बराबर आ गया के क्यू स्क्वायर बटा एम जी आर स्क्वायर। अब इस समीकरण से आपको क्या करना है, क्यू का मान निकाल लेना है, जो कितना आएगा देखें, इधर ले आए तो हो जाएगा एम जी आर क्यू बटा टू एल के बराबर आ गया क्यू स्क्वायर। क्यू बराबर आया अंडर रूट में एम जी आर क्यूब अपॉन टू एल, ये सूत्र आएगा आवेश के लिए। अब आप यहां पर इन सबका मान अगर रखें आप कैलकुलेशन करें तो आंसर निकल आएगा। द्रव्यमान आपको 200 ग्राम दे रखा है, ग्राम में लेते रहेंगे तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। जी का मान 9.8 या 10 ले लेंगे। आर का मान यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 × 10^-2 जाएगा। लंबाई 40 सेंटीमीटर दे रखी है तो 40 × 10^-2 हो जाएगा। और उसके बाद के का मान 9 × 10^-9, सिंपल सा है, कैलकुलेट कर लें और आंसर निकल आएगा आपका। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 1.8। इसके अतिरिक्त बच्चों आपको पीछे वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं भी। एक थ्योरी और थी बच्चों आप लोगों की, शायद क्वेश्चन नंबर 2 में था, ये चैप्टर नंबर 2 में, देखिए कौन सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर था तीसरा, चैप्टर नंबर 2 में प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु आवेश Q एक के मीटर भुजा वाले घन, पहली स्थिति है कि केंद्र पर है कि कोर पर है, दूसरी स्थिति और तीसरी है तल पर। तो घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स तथा घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स की गणना आपको करनी है। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर है तीसरा, चैप्टर नंबर है सेकंड, इसमें आपको एक घन लेना है। घन की भुजा ले रखी है, केंद्र पर आवेश रखा है क्यू। अब दो स्थितियां इसमें आपको ज्ञात करनी है, एक तो घन से संबद्ध कुल फ्लक्स और प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स, दो चीजें आपको निकालनी है। सबसे पहली स्थिति है घन के केंद्र पर, तो बच्चों ये केंद्र है, केंद्र से आपको टोटल फ्लक्स निकालना है। देखिए कुल फ्लक्स,
पहले केंद्र की स्थिति की बात करें तो कुल फ्लक्स फाइबर आपको बताना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे कुल फ्लक्स निकल गया। अब आपको इसमें पूछा है प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध कुल फ्लक्स, तो ध्यान दें कि घन में कुल छह फलक होते हैं, छह दीवारें दो चार और दो छह, तो प्रत्येक फलक से निकालने के लिए फाइव डैश का मान आएगा फाइव अपॉन सिक्स, या फाइव डैश बराबर क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी कंडीशन आपको ये कह रही है कि घन की एक कोर पर, तो कोर की बात करें, कोर मतलब यहाँ कोने से है, तो कोने देखो जैसे कि कमरा है, कमरे में चार कोने होते हैं, मैं मान लो कि इस कोने पर है तो ऐसे कितने हैं यहाँ पर भाग चार हैं, तो कुल फ्लक्स कितना आएगा क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, और फाइव डैश ध्यान दें एक कोई भी कोना ले लें, ये कोना है कितने भागों से जुड़ा है दो और दो चार, ये कोना दो और दो चार, तो यहाँ पे प्रत्येक फ्लक्स से निकलने के लिए क्या हो जाएगा फाइव अपॉन फोर, तो ध्यान दें फाइव डैश बराबर आएगा क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट अपॉन फोर, या फाइव डैश बराबर क्यू अपॉन सिक्सटीन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी दूसरी अवस्था हो गई घन की कोर के लिए। अब तीसरी कंडीशन है, बहुत ही सिंपल है, घन के एक तल पर ध्यान दें बच्चों तल कितने हैं, तल एक तो ये वाला तल है, ये वाला तल, दो तरह के तल इसमें हुए, आप दो तरह के तल हैं तो साई का मान आ जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन, ये तो कुल फ्लक्स हो गया। अब आपको प्रत्येक फलक के लिए पूछा है तो एक तल कितने भागों में जुड़ा है, ये देखिए जैसे कि मान लो कि मैं इस वाले तल की बात करूं तो देखिए वन टू थ्री फोर और फाइव, हर तल किसके भागों में जुड़ा हुआ है पांच भागों में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ फाइव है प्रत्येक फलक का मान आएगा फाइव अपॉन फाइव, या फाइव डैश बराबर टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन फाइव, या फाइव डैश बराबर क्यू अपॉन टेन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड चैप्टर नंबर सेकंड। इसके अलावा देखिए चैप्टर नंबर थर्ड में आपकी तरफ से कोई क्वेरीज है नहीं इसमें, तो आज अपन चैप्टर नंबर फोर शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बेसिक्स बता देता हूँ। आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फोर, पाठ का नाम है विद्युत धारिता। देखिए तीन चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं, चौथा है ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है विद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर जो है, जो आपने अभी तक तीन चैप्टर पढ़े हैं उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है उनसे।
तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका चालक और विद्युत रोधी, ये दो चीजें। सबसे पहले बात करते हैं हम चालक या पदार्थ की बात करें। पदार्थ बच्चों तीन तरह के होते हैं। एक तरह का पदार्थ होता है चालक बोलते हैं जिसको, जिसमें विद्युत धारा का चालन होता है। दूसरा होता है अर्धचालक। और तीसरा होता है कुचालक। तीन तरह के पदार्थ होते हैं, इनको कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। अब ध्यान दें इनमें क्या हो सकते हैं। सीधी सी अगर धारा प्रवाह के बारे में अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जिनसे धारा प्रवाह होता है वे तो चालक होते हैं, और जिनसे धारा प्रवाह नहीं होता है वे कुचालक होते हैं, और जिनसे कुछ कम धारा प्रवाह होता है वे अर्धचालक होते हैं। तो देखिए इनको अपन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो चालक, तो चालक आप किसको कहेंगे? ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? चालक कहा जाएगा। अब चालक होता कैसे, बनता कैसे? ध्यान दें कि जो पदार्थ है ये बना है अणु से, अणु बना है परमाणु से, और परमाणु होता है इस तरह मध्य भाग होता है नाभिक, और ये जो है इनको कक्षाएं बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इनमें क्या करते रहते हैं? निरंतर विचरण करते रहते हैं। और नाभिक में पाया जाता है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश कण होता है। तो इस ये जो स्थिति आपके सामने है ये है परमाणु। अब ध्यान दें परमाणु की दो अवस्थाएं होती हैं। या तो ये माने कि परमाणु की बाह्य कक्षा या फिर बोले कि अष्टक पूरा है। अष्टक पूरा होने का मतलब ये हुआ कि जितना इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो पूर्णतया है। मतलब न तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है न किसी को इसको देने की जरूरत है। तो ये क्या है? अष्टक पूरा। मान लो कि अष्टक पूरा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है या फिर ज्यादा है, तो वहां ये अष्टक पूरा होने की स्थिति नहीं हो सकती। तो जैसे ही आप इसको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, वो आपको 11th क्लास में बताया हुआ है कि परमाणु को दी गई जो ऊर्जा है वो सबसे पहले बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास आती है। सबसे पहले वो कहां स्टोर होगी? जो आपका बाह्यतम कक्षा है इलेक्ट्रॉन की, उसके इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा सबसे पहले आएगी। सबसे पहले ऊर्जा मिलेगी बच्चों इस वाले इलेक्ट्रॉन को। ये एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करके क्या करेगा? इसके जब एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो अपनी कक्षा पर छोड़ेगा, ऊपर वाले में जाने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था में जाना, एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा? वापस आ जाएगा। तो एक तरह का वाइब्रेशन इसमें हुआ, और वो क्यों हुआ? क्योंकि इसको मिली एक्सटर्नल एनर्जी। एनर्जी मिलने से इसमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन से ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, वापस आ रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। मान लीजिए कि एनर्जी आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाई, तो एनर्जी बढ़ाने से होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है तो चालक कुचालक और अर्धचालक का निर्धारण करते हैं। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे वो तो होगा चालक, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो होगा अर्धचालक, और अगर किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम है ही नहीं है वो है कुचालक। या फिर आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं
कि जिन पदार्थों में आवेश का स्थानांतरण होगा वो तो चालक होंगे, जिनमें आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा वे कुचालक होंगे, या इसको विद्युत रोधी भी बोला जाता है। विद्युत रोधी भी आप कह सकते हैं कुचालक को। तो देखिए पहले चालक की बात करें, वह पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है उसे चालक कहते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो ये संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, परंतु चालक के भीतर आवेश सदैव जीरो रहता है। अब बात करें विद्युत रोधी की कुचालक की, तो वह पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है उसे कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। तो दो चीजें आपके सामने आई, एक चालक आया और एक कुचालक आया। अगली बात करते हैं बच्चों, मुक्त और बद्ध आवेश। मुक्त मतलब फ्री, बद्ध मतलब बाउंड। तो जैसा कि परमाणु में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति कर रहा है, तो ये नाभिक से बंधा हुआ है, नाभिक को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अंतरावाणविक आकर्षण बल लग रहा है। तो इस वाले आवेश को आप बोलेंगे बद्ध आवेश, और ये जो मुक्त हो गया इसके बंधन से मुक्त हो गया है ये है मुक्त आवेश। तो देखिए किस तरह से इसको परिभाषित किया जाएगा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में धनावेश नाभिक होता है जिसके चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। नाभिक के समीप स्थित कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के कारण अत्यंत प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक नाभिक से बंधे होते हैं, परंतु जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं ये बल घटता जाता है। ठोस पदार्थों में परस्पर नियमित तथा आवर्ती रूप से संरक्षित होते हैं, परमाणुओं के मध्य प्रबल अंतरावाणविक बल लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का उसके नाभिक बंधन अत्यंत क्षीण हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो परमाणु में है वो तो है बद्ध आवेश, और जो मुक्त हो गया है वो मुक्त आवेश, या बोले मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ वो मुक्त आवेश, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके कारण जो आवेश हुआ वो बद्ध आवेश। अब देखिए बात करते हैं पैराविद्युत पदार्थ की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पैराविद्युत पदार्थ वाला। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पैराविद्युत पदार्थ का ये होते तो वैसे कुचालक ही हैं, डाइइलेक्ट्रिक, ये बच्चों होते तो हैं कुचालक। कुचालक मतलब आवेश का प्रभाव है इसमें नहीं होता है, परंतु कुचालक होते हुए भी ये कुछ गुण दर्शाते हैं जिसमें से ऐसे लगता है कि ये चालक है। जैसे कि बात करें कि कोई प्लास्टिक का स्केल को ले और बालों से रगड़े, आपने काफी बार क्लास में एक्सपेरिमेंट को किया भी है बहुत बच्चों ने, कि आप स्केल को अगर अपने बालों से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद में अगर आप किसी पेपर के टुकड़े के पास में उसको ले जाते हैं तो वो जो स्केल है वो उस पेपर के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आपने किया होगा ये। या फिर आप कंघे को बार बार बालों में घुमाएं और उसको आप पेपर के समीप ले जाएं तो वो भी क्या करेगा, पेपर को आकर्षित करेगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं कुचालक होते हैं, और कुचालक होते हुए भी वे कुछ विद्युतीय गुण दर्शा देते हैं, इन पदार्थों को कहा जाता है जो पैराविद्युत पदार्थ है। तो पैराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देते, परंतु
विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं उजागर होते हैं परंतु कुछ विद्युतीय गुण दर्शाते हैं, इन्हें कहा जाता है पैरा विद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप ले सकते हैं एबोनाइट, कांच, मोम, कागज, तेल, अभ्रक आदि, ये जो हैं वो पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं। अब है अगला पॉइंट इसी का ही है, आवेश का केंद्र, सेंटर ऑफ चार्ज। जैसा कि आपका नाम से स्पष्ट है, कोई ऐसा बिंदु जहां समस्त आवेश को केंद्रित माना जा सके उसे कहेंगे आवेश का केंद्र। और आवेश का केंद्र बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है धनावेश का केंद्र और दूसरा होता है ऋणावेश का केंद्र। तो दो तरह के केंद्र यहां हो सकते हैं आवेश के, एक धनावेश के लिए और दूसरा है ऋणावेश के लिए। अब इन्हीं आवेशों के केंद्र के आधार पर दो तरह के पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं, एक तो होता है ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ और दूसरा होता है अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ। एक तो होगा ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ, दूसरा होगा अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ। देखो ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें द्विध्रुव बन रहा है वो तो है ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ, और ऐसा पदार्थ जिसमें द्विध्रुव नहीं बन रहा है वो है अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ। या फिर आप इसकी परिभाषा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ में कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दो ध्रुव वाला ले लें अपन HCl ले लें या NaOH ले लें या H2SO4 ले लें, इनमें क्या है कि एक पार्ट धनावेश का है दूसरा पार्ट ऋणावेश का है। तो ये हुआ ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ। और अगला है बच्चों अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ, तो इसमें क्या होता है द्विध्रुव उपस्थित नहीं होता है, सिंगल सिंगल ही होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है। जैसे कि बात करें कि H2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, O2N2Cl, इनमें क्या होता है कि या तो धनावेश होता है या फिर ऋणावेश होता है, दोनों चीजें एक साथ यहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये थे आपके पैरा विद्युत पदार्थ जो दो तरह के थे, एक था ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ जिसमें दो ध्रुव बन रहे थे और एक है अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ जिसमें ध्रुव नहीं बन रहे थे। अब बात करते हैं इनके ध्रुवण की। तो देखिए ध्रुवण का मतलब क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज है, मान लिया कि यहाँ पर कोई पैरा विद्युत पदार्थ है HCl की बात कर रहे हैं कि H+ और Cl- है, ये इसकी कोई अनियमित स्थिति है। अगर आप इस
पदार्थ को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो रखने से देखो क्या होगा, ये स्थिति आ जाएगी कि सारे सीएल 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 एक तरफ आ जाएंगे, प्लस वाले एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एक तरफ आ जाएंगे। तो हुआ क्या कि जो अनियमितता थी इनकी वो दूर हो गई, नियमित स्थिति आ गई कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, या फिर आप इसको कहें कि इसको अगर आप किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो इनका संरेखण हो जाता है, एक रेखा में हो जाते हैं ये। तो इस स्थिति को आप बोलते हैं बच्चों, तो आपने पढ़ा पदार्थ, पदार्थ से पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत पदार्थों के बाद केंद्र, दो तरह के इसी आधार पर दो तरह के पराविद्युत पदार्थ हुए, ध्रुवित और अध्रुवित, और इनका आपने कर लिया है ध्रुवण। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो है वो अपन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको शंका हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।